हमारा तो फ्लैट है 2 BHK। अच्छा 2 BHK है, तो कितने रुपए का है? 24,000 का है 2 BHK। कितने लोग रहेंगे आप उसमें? 3 लोग रहेंगे। तो क्या पढ़ाई वढ़ाई हो जाएगी तीनों में? हाँ। तो टोटल कितना रुपया देना पड़ा है आपको? टोटल इधर 24,000 रेंट हुआ। हाँ। फिर उसके बाद 24,000 रुपए जो 48, 48, 18, 48, 58, मतलब 66,000 रुपए देना पड़ा है। मतलब 66,000 रुपए में आप अभी शिफ्ट हुए हैं? क्योंकि ये हाई क्लास सोसाइटी है, इसलिए क्योंकि ये सोसाइटी में ऐसे घुसने भी नहीं देते। क्यों नहीं पसंद है यहाँ? देखिए आप घूमे रहे यहाँ पर पीजी में, इसमें कैसा लगा? ट्रिपल शेयरिंग में थी तो वहाँ सफोकेशन वाला माहौल था थोड़ा, मतलब मेरे हिसाब से जो अपना एडजस्ट कर सकते हैं वो सही। और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को जो यहाँ पर? थोड़ी जगह नहीं है तो फिर, और फिर उसके बाद बजट हाई है यहाँ का ज्यादा। कितना बजट? कैसा माहौल है? माहौल तो यही है कि फैमिली रहती है उसमें, थोड़ा आवाज आवाज आता रहता है। IT हाँ दिक्कत हो रहा है वहाँ से, कुछ दिक्कत हो रहा है। IT से टॉयलेट लड़के रहते हैं, दिन भर वो रहते नहीं है, एक दो फैमिली। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई मैं हूँ अभी नोएडा सेक्टर 15 में, दृष्टि आईएएस के जस्ट साइड में, दृष्टि आईएएस के जस्ट बगल में ये दृष्टि आईएएस की नई बिल्डिंग है और मैं यहीं पर हूँ। और यहाँ पर कुछ भाई मिले हुए हैं जो मुखर्जी नगर से यहाँ आए हैं, दृष्टि आईएएस के स्टूडेंट हैं और जो यहाँ पर अपना रूम वगैरह देख रहे थे। इनको रूम वगैरह मिल गया क्या? रूम वगैरह भैया? हाँ जी मिल गया रूम। मिल गया। क्या नाम है आपका? आदर्श सिंह। आदर्श, आदर्श जी कहाँ से हो आप? यूपी से, यूपी सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से हो? अच्छा, तो दृष्टि में कब से पढ़ रहे हो? 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया। अभी यहाँ नोएडा पहुंचे हो आप, दृष्टि में घूम लिया क्या? हाँ घूम लिया। कैसा लगा दृष्टि? कैंपस तो बढ़िया, नया वाला। नया वाला बढ़िया है? कैंपस बढ़िया। कितने फ्लोर हैं? 7-8 फ्लोर है। 7-8 फ्लोर हैं। अच्छा, क्या क्या चीजें देखा आप कुछ घूम के? क्या कुछ है? कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है फिर। हाँ। उस तरह से अलाउ नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे अलाउ है, वहाँ पीजी वगैरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, पीजी वगैरह यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है? हाँ इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, मतलब हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं दृष्टि वाले बच्चों के लिए, तो उसके सहायता हो जा रही बच्चों की। जो तो अंदर इसमें जा सकते हैं क्या? अंदर हाँ, यहाँ अपना बैच का नाम नोट कराओ, फिर उसका अपना नाम नोट कराओ, डेमाना नंबर, आईडी कार्ड पे होता हम लोग मिला होता उसको नोट कराओ, फिर आप एंट्री मिल सकती है आपको। अच्छा, तो अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप यहाँ पर कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब कौन सी जगह रूम वगैरह ले रहे हैं? सेक्टर 14 में। सेक्टर 14 में कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 200-300 मीटर है। 200-300 मीटर है। आने जाने का पैदल जा सकता है या फिर आराम से? पैदल, मेट्रो स्टेशन भी पास में है, दृष्टि भी पास में, वहाँ से बिल्डिंग दिखती है दृष्टि की। मेट्रो से दिखती है ना? मेट्रो से क्या, सेक्टर 14 से भी अंदर। अच्छा, सेक्टर 14 से भी दिखती है। अच्छा, मतलब ज्यादा दूर नहीं है। सेक्टर 14 इधर है। तो यहाँ पर कितने रुपए का मिला है रूम आपको? हमारा तो फ्लैट है 2 BHK। अच्छा 2 BHK है, तो कितने रुपए का है? 24,000 का है 2 BHK। कितने लोग रहेंगे आप उसमें? 3 लोग रहेंगे। तो क्या पढ़ाई वढ़ाई हो जाएगी तीनों में? हाँ, रूम काफी स्पेस है रूम में, दोनों रूम में, फिर उसके बाद वॉशरूम वगैरह अटैच्ड है। तो क्या कुछ उन्होंने, जब आपने रूम लिया तो उन्होंने क्या कुछ डिपॉजिट वगैरह कुछ मांगा? जितना रेंट है उतना सिक्योरिटी। अच्छा, प्लस ब्रोकरेज। अच्छा ब्रोकरेज भी? ब्रोकरेज कितनी मिली? ब्रोकरेज उसकी मतलब की 18,000। 18,000 ब्रोकरेज पूरा मांग रहे थे, रेंट कितना, रेंट जितना उतना पूरा मांग रहे थे, लेकिन फिर सब छोड़ छाड़ के 18,000 रुपए ब्रोकरेज लिए। उसके बाद 24,000 का मतलब 8,000 तीन है पर पर्सन, 8,000 पड़ा, तो 24,000 रेंट हुआ, फिर उसके बाद प्लस 24,000 सिक्योरिटी, 8,000 सिक्योरिटी वापस हो जाएगी जब हम रूम वगैरह छोड़ेंगे। तो टोटल कितने रुपये देना पड़ा है आपको? टोटल इधर 24,000 रेंट हुआ। हाँ। फिर उसके बाद 24,000 ब्रोकरेज हुआ, 48, 48, 18, 48, 58, मतलब 66,000। 66,000 रुपये देना पड़ा है, मतलब 66,000 रुपये में आप अभी शिफ्ट हुए हैं मुखर्जी नगर से इधर। वहाँ कहाँ रहते थे आप? वहाँ तो हाफ, मतलब कि जितना आप अगर मकान मालिक के ऊपर है, जितना भी मतलब आप कम कर सकते हो सिक्योरिटी उतना कम करा दो। ब्रोकरेज वगैरह वहाँ भी लगती थी लेकिन इतनी नहीं लगती थी, क्योंकि ये हाई क्लास सोसाइटी है इसलिए ज्यादा लगी, और जगह इसके तुलना में और जगह कम ही लगेगी क्योंकि ये सोसाइटी में ऐसे घुसने भी नहीं देते। अच्छा, तो यहाँ तो कह रहे थे कि विकास सर वो सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। सेक्टर 15 की बात कर रहे थे वो? अच्छा हाँ, सेक्टर 15 की बात कर रहे थे वो। ये अगर सेक्टर 14 मिलेंगे तो ब्रोकरेज? 14 में रूम वगैरह वैसे है नहीं आपको, बहुत मतलब रेयर है कि मिल गए। अच्छा, तो सेक्टर 14 में रूम वगैरह कम है? रूम वगैरह है ही नहीं, वो सबसे घर वगैरह है, तो वहाँ तो अगर जिसका मन हुआ तो अगर दे दिया तो दे दिया, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा और क्या देना पड़ा जब आपने रूम लिया? बस कुछ आधार कार्ड वगैरह और कुछ? हाँ, वो सब तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले ही लेते ले लेते हैं। हाँ। तो एग्रीमेंट वगैरह बनवाया होगा? नहीं, एग्रीमेंट उस तरह से नहीं है, तो आंटी मतलब घर के मालिक जो है वो सब खुद ही डील करते हैं, तो इसलिए तो कुछ ज्यादा एग्रीमेंट वगैरह की जरूरत नहीं, हम जब चाहे छोड़ना छोड़ सकते हैं। अच्छा, जब मर्जी जब छोड़ सकते हैं? तो छोड़ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है कितने दृष्टि में आपने पता भी क्या हुआ और भी यार दोस्त, तो कितने ज्यादातर बच्चे यहाँ आप पहुंच चुके हैं? मैक्सिमम जिनका बैच रनिंग में है वो शिफ्ट हो जा रहे हैं धीरे धीरे सब। तो आपने यहाँ पर जब विकास सर पीजी वगैरह दिलवा रहे हैं, उन्होंने लिस्ट वगैरह भी दे रखी है बच्चों को, तो फिर आपने पीजी क्यों नहीं लिया? आपने रूम क्या फ्लैट क्यों लिया? पीजी पसंद नहीं है, पीजी प्रेफर नहीं करते थे, फ्लैट में वहाँ भी रहते थे। पीजी क्यों नहीं पसंद है यहाँ? देखिए आप घूमे रहे यहाँ पर पीजी में,
थे। इसमें कैसा लगा? ट्रिपल शेयरिंग में थी तो वहाँ सफोकेशन वाला माहौल था थोड़ा, मतलब मेरे हिसाब से जो अपना एडजस्ट कर सकते हैं वो सही। अच्छा, पीजी वगैरह ट्रिपल शेयरिंग में है सब? ट्रिपल शेयरिंग में लग लो जो दिखी जो दिखी, मतलब बच्चों को दिक्कत होगी फिर तो बहुत ज्यादा। जो एडजस्ट कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते फ्लैट वगैरह देखें तो अशोक नगर में देखें या कहीं आसपास दूसरे सेक्टर में देखें, एक दो मेट्रो स्टेशन दूर भी देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेट्रो से भी आ सकते हैं, मेट्रो से आ सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा आप कितने दिन यहाँ पर घूम चुके होंगे और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को जो यहाँ पर? थोड़ी जगह नहीं है तो फिर, और फिर उसके बाद बजट हाई है यहाँ का ज्यादा। कितना मतलब? क्योंकि आपने बताया 24,000, इसके अलावा अगर कोई थोड़ा सा भी और बढ़ना चाहे तो खान, अगर कोई टिफिन लगवाता है टिफिन सर्विस भी मांगी है 1,500-2,000 रुपए। अच्छा, 1,500 लगभग 1,500-1,500 तो कम से कम। कितने 700-800 मिल जाता था? नहीं, वहाँ टिफिन का मतलब कि वहाँ जैसे 2,400-2,500-2,600 इतने में मैक्सिमम हो जाता था, फिर यहाँ 3,200 क्या 4,000 ऐसे डिमांड करते हैं। अभी आपने बोला 1,000 बार, वो क्या था? वो मतलब जैसे हमारा एक पर्सनल बजट होता है जो घर से आता है तो उसमें हम सरवाइव करते हैं, उसके लिए बोला। ये टिफिन के लिए सब तो एक्स्ट्रा हो गया, जो मंथली हमको परमानेंट जो मतलब हम खर्चा उठाना पड़ जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब 4-5 हज़ार मान लो, 4,500 मान लो टिफिन के ना, मतलब 4,000 आप मान लो। क्या बच्चे, क्योंकि हमारे हिंदी पट्टी के जो बच्चे हैं जो यूपी बिहार से आते हैं बेचारे, बहुत ही मतलब इतना हाई फाई बैकग्राउंड उनका नहीं होता है, है ना, मिडिल क्लास वाले होते हैं, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो उनके माँ बाप उनको लोन लेकर के और वो सब भेजते हैं, तो क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे यहाँ पर नोएडा में? अफोर्ड मतलब फिलहाल अभी एडजस्ट करना पड़ेगा सबको, फिर हो सकता है धीरे धीरे आने वाले समय में क्लासेस जहाँ चलने लगे तो थोड़ा माहौल सही हो जाए, हो सकता है दिवाली बाद ही फर्क दिखना चालू हो जाए कि बच्चे ज्यादा आएंगे, क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग सब अपना मतलब चालू करेंगे। हो सकता है मुखर्जी नगर वाले जो टिफिन वगैरह वाले और तमाम लाइब्रेरीज वगैरह वाले सब यहाँ अगर आके सेट होते हैं तो फिर उसके बाद थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा, तो फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग फिर बच्चे भी डल जाएंगे धीरे धीरे। अभी एक बार प्रॉब्लम तो होगी सबको, हमें भी प्रॉब्लम हो रही है और सबको भी प्रॉब्लम होगी। पढ़ाई वढ़ाई तो बिल्कुल खराब हो रखी होगी इस बीच, पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं हो पा रही होगी? पढ़ाई वढ़ाई अब स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, फिर भी एक बार असंतुल बैलेंस बिगड़ जाता तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है। और भी आए होंगे आपके यार दोस्त वगैरह? हाँ, तो इधर और भी है दृष्टि के छात्र हैं सब लोग, चलिए इनसे और बात करते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? आशुतोष। अरे यार क्यों भाग रहे हो, गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। आशुतोष जी कहाँ से आ रहे हो, मुखर्जी नगर से आ रहे हो अभी आप? नहीं नहीं, हम न्यू पास गांव रहते हैं, मुखर्जी नगर से ही आए हैं। दृष्टि में पढ़ रहे हो अभी? दृष्टि। कब से चल रही है क्लासेस, कब से तैयारी कर रहे हो आप? हमारा तो तैयारी हो गया पिछले एक साल से, एक साल से। अभी क्लासेस तो बंद है दृष्टि की, तो पढ़ाई वढ़ाई कितनी बाधित हुई? ऑफलाइन चल रही है, हम करोलबाग जाते रहते हैं। अच्छा, बाकी अल्टरनेट जाते हैं, रोज नहीं जा पाते हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है अभी तो। कभी ऑनलाइन तो रूम वगैरह ले देख लिया? हाँ, रूम ले लिए, न्यू बास में लिया। क्या आपने अभी बताया था? ये सोसाइटी में लिए हैं। अच्छा, हम बास गांव में लिए हैं, न्यू बास गांव में, सेक्टर 15। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से होगी 800 मीटर 700-800 मीटर। 700-800 मीटर तो? अच्छा, 700-800 मीटर है। कितने का रूम है मिला आपको? मेरा तो 7,000 का ओनर के, मतलब एक आदमी रह सकता है? दो आदमी रह सकता है आराम से। रूम बड़ा है वहाँ, मुखर्जी नगर से बड़े हैं रूम, मुखर्जी नगर से रूम बड़े हैं, नेहरू नगर से बड़ा रूम। अच्छा, कैसा माहौल है? माहौल तो यही है कि फैमिली रहती है उसमें, थोड़ा आवाज आवाज आता रहता है, आईटी हाँ दिक्कत तो हो रहा है वहाँ से, कुछ दिक्कत हो रहा है। आईटी सेक्टर वाले लड़के रहते हैं, दिन भर वो रहते नहीं है, एक दो फैमिली मेरे लॉज में। मुझे लगता है यहाँ पर यही सबसे बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अभी जो माहौल है यहाँ पर इंडस्ट्रियल माहौल है। हाँ। क्योंकि जो यहाँ पर रहते हैं लोग रेंट पर, वो सब दिन में अपना काम करने चले जाते हैं, रात को आकर सोते हैं फटकार के। हाँ। तो बच्चे तो रूम पे रहेंगे, वो तो पढ़ेंगे, उनको डिस्टर्ब होगा। मुझे लगता है यही बड़ी समस्या हो सकती है। अगर लाइब्रेरी होता तो हम लोग की सुविधा अच्छा रहता। सुविधा हमारी लाइब्रेरी यहाँ पर है नहीं, एक नोएडा लाइब्रेरी है, उसमें बोल रहे हैं कि सब आवाज आता है, उसमें भी पढ़ने लायक नहीं माहौल, अभी माहौल उसमें भी नहीं बना हुआ है। हो सकता है आने वाले समय बन जाए, बना नहीं है माहौल ऐसा, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ आवाज आता रहता है। अच्छा, नोएडा लाइब्रेरी। इसके अलावा और क्या क्या दिक्कत है? खाने पीने का क्या माहौल है यहाँ पर? खाने का तो हम कुछ दिन मेस में खाए थे बाहर, तो खाना भी तो ठीक था, लेकिन हम वहाँ भी बनाते थे, यहाँ भी बनाते हैं, वहाँ भी बना रहे थे, यहाँ भी बना रहे थे। उसमें क्या लगता है दृष्टि का यहाँ आना, क्या सही रहा ये, सही डिसीजन था? मुखर्जी बंद, मुखर्जी अगर बंद हो गया है तो सही डिसीजन कह सकते हैं। इसके अलावा तो कोई उपाय उनका था नहीं। करोलबाग जाते तो वहाँ पर बहुत महंगा था, वहाँ पर रहना, लड़के रह नहीं पाते, पढ़ नहीं कर पाते। तो क्या वो माहौल मिल पाएगा? माहौल तो अभी, क्योंकि जो वहाँ पर मुखर्जी नगर में जो एक नाम है पूरे देश में मुखर्जी नगर का, करोलबाग का, है ना, यूपीएससी की प्रिपरेशन का हब माना जाता है, और जो 50-60 साल का जो एक माहौल जो वहाँ पर तैयार हुआ है, क्या ये नोएडा वो माहौल दे पाएगा? क्योंकि एक इंडस्ट्रियल एरिया है ये। अभी तो नहीं दे पाएगा, लेकिन 2-3 साल समय लगेगा, इसको समय लगेगा, समय देना पड़ेगा यहाँ पर माहौल लाने के लिए। अभी तो लग नहीं रहा है कि अभी लग पाएगा माहौल। और क्या दूसरी चीज ये भी है, क्या दृष्टि ने शुरुआत कर दी है कोचिंगों की यहाँ पर नोएडा शिफ्ट होने की? ये दृष्टि की शुरुआत मान सकते हैं कि ये शुरुआत है? ये हाँ, ये शुरुआत ही भी नोएडा में, नोएडा में कहाँ कोचिंग, कोई कोचिंग नहीं, कोचिंग नहीं है, लेकिन क्या और बाकी भी आएंगी यहाँ पर? हमको तो नहीं लगता, अभी सुनाई पड़ रहा है कि इनके जो प्रतिस्पर्धा कोचिंग है। अच्छा, भैया बोल रहे हैं, सुनने में आ रहा है कौन सी कोचिंग? सारी कोचिंग संस्कृति IAS भी आ रही है, यही पर आ रही है शायद, सुनाई दे रहा है।
अच्छा जो बत्रा में चल रही थी सारी कोचिंग मुखर्जी नगर, वो सारी कोचिंग वहाँ बंद हो जाएगी, वहाँ से हट जाएगी। बताइए उनके टीचर ये बोले हैं कि हम कहीं भी चले जाएंगे लेकिन नोएडा सेक्टर 15 नहीं जाएंगे। मतलब दृष्टि को कम्प्लीट नहीं कर पाइए। वो बोले थे कहीं भी हम चले जाएंगे लेकिन नोएडा सेक्टर 15 नहीं जाएंगे। आप इसलिए नहीं बोले थे, ये क्लास में अपना कोई वर्ड जो भी हो क्लास में।